दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और ये है मेरी मोटरसाइकिल कॉन्टिनेंटल GT 650। हम बोले विलेज लाइव भी दिखा देते हैं सुबह सुबह की। लोग भैंसिया चराने निकल चले। अरे बाप रे, ये मेरे गुंडे ही काकू मस्त खैनी मल रहे हैं। पहले जाइए, ये एक तो ये जो डबल सीट लगा लेते हो ना, तो इसमें और मेरी बुद्धि काम करनी बंद हो जाती है। हाँ और क्या, तुम भी दिख जाओ आशीर्वाद। बला टले ससुरी, यहाँ मेरे को आने का मन नहीं करता है इस जगह। आओ यार बिकल। ये तो रहा इंजन तो रहा। राजा है, क्या हाल है राजा? हमको तो राजा वही बोल रहे ना कि राजा। अरे साला ये क्या है, ये काली काली छिपकली। सीमेंट निपुर गया होगा है ना, बड़ा खतरनाक। ये दीमक आए है, बड़ी तगड़ी वाली दीमक है यार। च्यवनप्राश खाई थी क्या? पर राजा को देख के हमको मजा आ गया। और राजा पत्ता पत्ता तोड़े तुम की नहीं? वो भी बेचारे दो तीन बार फोन करे कि अब कल ये कह रहे थे अब एक राउंड और आऊंगा ये पूरा बाथरूम गिरवाने। निकाल ले जाएंगे। बेचने को ले जा रहा होगा। वाह वाह, ये जगह बड़ी बढ़िया थी। लेकिन चलो बाय बाय गौशाला। What happened? ये तो घुस गया। चलो अब बाइक धुलवाएंगे। बाइक गंदी थी तो बहुत गंदी चल रही थी, तो आज इसको हम धुलवाएंगे। क्या दोस्त? धुल जाएगी। क्या हाल है भाई साहब?
धुलवा दीजिए। कैसे बैठे हो? आओ ले जाओ। ऐसा ये कह रहे थे कि अभी बहुत गर्म है, तुरंत धुलवा ले। वही बोल रहा कि अभी रुक जाइए, उसको बोल दी खड़ी करे दे रहे, पर 5 मिनट 10 मिनट रुक जाइए। अभी ना दो, अभी 10 मिनट। मैं फिर आ गया बिना बुलाए। हेलो करो, हेलो, जय हिंद करो, जय हिंद। तो क्या हुआ, आप जय हिंद तो कभी बोल सकते हो ना, नमक तो इसी देश का खाते होगे। हैं? अब हमारे दोस्त के छोटे भाई हो यार, थोड़े धीमे मारते। हाँ तो कौन सा, तुमको बात करनी किसी से, कुछ भी बक दोगे तो मैं समझ में आएगा क्या? तुम तो साला जिला पंचायत के अधिकारियों को फेल कर दो उसमें, 420 में। बोलो स्पेनिश बोलो। हाँ हमको पता था, हमको पता था यही बोलोगे, पर फिर भी हम बोले वो बोल रहे हैं तो पूछ ले, समझे? दूध के दांत टूटे नहीं है हमसे बकैती। आज सोया नहीं था तो अब मस्त नींद आ रही मेरे को, और भूख भी लग रही है। पनीर रोल खा लिया जाए। आ गए वापस, 4 बज रहे हैं। 200 किलोमीटर की लगभग राइड थी, और बैक पेन होने लगा थोड़ा, क्योंकि डबल सीट लगा के गए थे, सिंगल सीट में नहीं होता है, और बहुत गंदी हो गई थी हमारी बाइक, तो आके बढ़िया उसको धुलाए, अच्छी लगने लगी। और क्योंकि जब गए और वापस लौट रहे थे तो काफ़ी ज़ोर आवाज़ आ रही थी चेन की, तो चेन ल्यूब भी किया, देखा कि सूखी थी यार, पता नहीं लगता कब सूख गई। तो क्या है कि जब वहाँ पर थे साइट पर गौशाला की, तो वहाँ कुरियर आया है, तो हमने अमेज़ॉन से 3 चीज़ें ऑर्डर की, 3 आर्टिकल्स, तो वो आ गए तीनों, तो काफ़ी एक्साइटेड हैं हम, क्योंकि उसमें से एक चीज़ बहुत मज़ेदार है। एक जो पैंट है, 6 पॉकेट्स, काफ़ी टाइम से हम एक लेना चाह रहे थे उस टाइम का, अगर वैसे ही रहा जैसा हमें पसंद है तो यार बढ़िया हो जाएगा। और एक तो यार हॉराइजन फॉरबिडन वेस्ट है, फाइनली खेलेंगे, तो चलो अनबॉक्सिंग करते हैं। और एक पार्सल और आ रहा, भी हो सकता है इस बीच आ भी जाए, एसडी कैम की एक एक्स्ट्रा बैटरी मंगाई थी हमने डिज़ाइन इन्फो से, तो वो भी आ गई है, काफ़ी फास्ट आई यार। तो चलो अनबॉक्सिंग करते हैं, तब तक ये जो 3 हमारे आर्टिकल्स आए उनकी, फिर डिज़ाइन इन्फो वाले की भी करेंगे आज, मतलब हो सकता है 4 अनबॉक्सिंग हो। चलो मुझे लगता है इसमें 2 चीज़ें हैं, और उसमें दो कन्वर्टिबल ट्राउज़र है रॉयल एनफील्ड का। पहले चलो ट्राउज़र खोलते हैं, उसके बाद फिर इस बॉक्स को हाथ लगाएंगे, क्योंकि जो सबसे मज़ेदार चीज़ है वो लास्ट में ओपन करेंगे, लाइट जला लिया जाए। तो चलो अनबॉक्सिंग करते हैं अब। ऐसे वीडियो शूट किया था तो उसमें आवाज़ बहुत धीमे रिकॉर्ड हुई थी,
हटाना पड़ा था हमको, मतलब नहीं इंक्लूड कर पाए थे। और लग तो ठीक रहा है, पहन के देखते हैं, शॉर्ट्स के ऊपर ही पहन के देख लेते हैं उसमें क्या है। वैसे शॉर्ट्स के ऊपर पहनने का आइडिया है तो गड़बड़, पर चलो कोई बात नहीं। अच्छा लग रहा है यार, है ना, फिटिंग वगैरह सब अच्छी है, कलर तो देखो अच्छा है। तीन कलर थे, ब्लू, ये और एक कॉफी कलर, ब्राउन कह लो, तो मुझे सबसे सही यही लगा। मुझे ऐसा मतलब ये सिक्स पॉकेट वाला ट्राउजर चाहिए था जिसमें बहुत ज़्यादा, यार देखो होशियारी ना की गई हो, और बढ़िया सिंपल दिखता हो, तो ये वैसा ही है, कन्वर्टिबल है, तो यहाँ चेन लगी है तो ये शॉर्ट्स में बदल जाएगा। और ये देखो एक पॉकेट इस तरह की यहाँ हो गई है, अभी आर्मर के लिए काहे के लिए पता नहीं मुझे, और एक पॉकेट ये हो गई है तो दो, और ऐसे ही इसमें है, इसमें मुझे लगता है चेन नहीं साइड में, हाँ इसमें बस एक ऊपर पॉकेट ही है। तो ओवरऑल ये देखो, ये रॉयल एनफील्ड और अच्छा दिख रहा है यार, मेरे को लग नहीं रहा था, मुझे डाउट था कि अच्छा होगा कि नहीं होगा, कपड़ा कैसा होगा इसका, बट अच्छा निकल गया, ये हम रख रहे हैं, रिटर्न करने की इसको ज़रूरत नहीं है। चलो अब दूसरा खोलेंगे हम, ये रहा, इस बॉक्स को खोलते हैं अब। राइजन फॉरबिडन वेस्ट, काफ़ी समय से हमें इसका इंतज़ार था, अपने प्ले स्टेशन गेम्स की कलेक्शन के लिए, खेलने के लिए भी, तो ये भी आ गया। चलो अब बढ़िया है ना, आज इसको श्री गणेश भी स्काच कर देते हैं और खेलते हैं, लेकिन थोड़ी देर में। अब बारी आई इसकी, इसका डाटा केवल अलग से गिर गया, ये असली खिलौना, ये देखो ये है लाइट, और ये इसलिए है, अच्छा यार मटेरियल, मुझको लगा था सस्ता होगा चीप होगा यार, पर बहुत अच्छा है यार, ये तो अच्छा मटेरियल निकल गया, मुझे लगा था ऐसे ही होगा चीप, पर बहुत अच्छा रबर यूज़ किया है ये। ये चार्जिंग के लिए है, वो भी सी टाइप, ये भी बहुत सॉफ्ट है, रबर टाइप का है, इलास्टिक टाइप का, और ये देखो ये लाइट है, और ये देखो ले, ब्रांडिंग तुरंत झड़ गई, कैसा काम करते हो यार तुम लोग, अपनी ब्रांडिंग ढंग से नहीं लगा पाए। ये देखो अब बोलो इसमें क्या है, ये देखो ये है लाइट, कितनी जोर है यार, ये तो अच्छी ज़ोरदार लाइट है। और तो आपको अपने माथे में पहनना है, फोरहेड में, जब आप साइकिलिंग कर रहे हो तो आपके हैंड फ्री रहते हैं, मतलब तो दोनों हाथ फ्री रहते हैं, और लाइट भी इसकी सही दिख रही है यार, मतलब जो मैं अपने साइकिल में लाइट्स यूज़ करता हूँ उससे बहुत अच्छी लाइट लग रही है इसकी। चलो पहन के देखते हैं। तो ये है हमारी हेडलाइट, जो सही में हमको हेड में पहनना पड़ रहा है, और जो साइकिल वाली हेडलाइट होती है ना वो, उसमें ज़्यादा दम नहीं होता है। मैंने जब इसका वीडियो देखा था तो मैं बोला ये तो बढ़िया पावरफुल चीज़ है, देखें चला के आ गया बटन, ये देखो अंधेरा करते रुको तब ना समझ में आएगा, इधर से भी बंद करते हैं, देखा अब सामने का देखते हैं, ये देखो कितनी तेज हेडलाइट है यार ये, है मस्त है, अच्छी तेज हेडलाइट है यार ये तो, मतलब जो साइकिल में हम यूज करते हैं ना उससे बहुत तेज है, और मुझे लग रहा था अनकंफर्टेबल होगा, पर ये कंफर्टेबल है यार,
खैर चलो, मेरा एक और पार्सल आ गया है डिज़ाइन इन्फो से, SJ Cam 6 जो है लेजेंड की बैटरी, तो वो ले आए, उसके बाद आगे इसके बारे में बताते हैं। ये लो हमारे SJ Cam 6 की बैटरी भी आ गई एक्स्ट्रा। ये देखो आज हमारी बाइक धुली कितनी बढ़िया लग रही, धुलने के बाद देखो चमचमा रही है एकदम। कुछ भी कहो यार, GT धुलने के बाद ना बड़ी शानदार लगती है। आज मैंने इसमें डबल सीट लगाई हुई है अभी, मजेदार चीज फिर से चला दे रुको। ओ सॉरी, गलत वाला, ये देखो बैटर। अब हम चलाएंगे इसके दूसरी वाली बटन, ये जेस्चर कंट्रोल, जेस्चर कंट्रोल देखें, बंद चालू और गया, बंद नहीं सॉरी चालू बंद। ये बढ़िया है साइकिल चलाते हुए ना, उसमें क्या होता है कि बार बार बटन दबाओ चालू बंद करो, क्योंकि बैटरी बचाना पड़ता है। इसमें क्या है, बस ऐसे किया बंद, ऐसे किया चालू, ऐसे किया फिर बंद, ये तो बस चीज़ है बंद चालू होता रहता है, ये कैसे चलता है? ये भी क्या टॉर्च तो कहीं ना कहीं से चलता ही होगा, है ना? बढ़िया, देखना पड़ेगा कौन कौन से गेस्ट हैं वो बॉक्स में होगा, पर देखो है मज़ेदार चीज़। तो ये चीज़ मस्त है, एलर को यार बंद करे, है ना मज़ेदार चीज़ ये देख के मेरे को बहुत मज़ा आया था और मुझे अभी भी मज़ा आ रहा है। अभी देखना पड़ेगा इसमें और क्या क्या फंक्शंस हैं, पर ये बेसिक फंक्शन है। इसका कहोगे तो एक अलग वीडियो बना देंगे मज़ेदार सा, ये वीडियो बनाने लायक वैसे एक अलग से है भी, और बढ़िया है, कंफर्टेबल है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं लग रही है मुझे। अच्छी लाइट है, मतलब थ्रो काफ़ी अच्छा है। अच्छा ये क्यों ज़रूरी है, मुझे लगा जब साइकिल चलाते हैं ना तो उसकी हेडलाइट लगाए रहते हैं, उसको बार बार उसी हाथ से आप चला भी रहे हो साइकिल, बटन भी दबाना पड़ रहा है, मतलब आपको बैटरी बचाना है, कई जगह लाइटिंग है तो फालतू में आप लाइट क्यों जलाओ, तो बंद कर दो। प्लस मान लो दे रहा है आप साइकिल से उतर गए तो उसको थोड़ी हेडलाइट को निकाल के घूमोगे, तो आपके ये सर पे रहेगा तो बढ़िया रहेगा, फॉरहेड पे रहेगा, और आपको बैटरी बचत इसमें अच्छी हो जाएगी, मतलब जहाँ ज़रूरी है वहीं चलाओ, और अच्छा थोड़ा मतलब ये ब्राइटनेस भी अच्छा करेगा धीरे में, आप जिधर जाओ उधर घुमाओ अपना सर, वहाँ पे आपको अच्छी लाइट दिखेगी। अब देखो फिर से, ये देखो कम हो गई, ये देखो ये वाली लाइट, ये कम हो गई, ये बंद हो गई, ये देखो अभी गेस्चर कंट्रोल चालू बंद चालू बंद चालू बंद। तो ये मज़ेदार चीज़ लगी हमें, और बहुत सॉफ्ट है, मतलब पहनने में कोई भी इरिटेशन नहीं हो रही, अनकंफर्टेबल नहीं है, ये मज़ेदार चीज़ है साइकिलिंग के लिए तो खासकर। वैसे भी अगर आप कहीं हो, बैग में रखे रहो, अंधेरा हो रहा है, दोनों हाथ फ्री रखने हैं, टॉर्च नहीं पकड़ना चाह रहे हो, पहन लो, और स्टाइलिश है, तो ये बढ़िया लगा। तो हमने पैंट देख लिया, फॉरबिडन वेस्ट अभी हम लगाएंगे, उसका भी श्री गणेश करेंगे, और उसकी जो पन्नी है वो निकाल के फेंकेंगे, और ये भी हमने देख लिया। अब बची एक चीज़, बैटरी। तो SJ Cam की बैटरी वाला पार्सल भी आप खोल लेते, तो आज 4 आर्टिकल्स का अनबॉक्सिंग हो जाएगा। मॉमी ये देखो, ये क्या, बताओ क्या है? ये बेल्ट कैसे लगा है? अच्छा लग रहा कि नहीं? ये टॉर्च है, टॉर्च, ये देखो है? देखो बंद हो गई, ये देखो चालू हो गई, ऐसे किया बंद हो गई, साइकिल चलाने को इंसान। यह ब्रांड का नाम है लिस्टा, बताना भूल गया था, और वाकई मज़ेदार चीज़ है, काम की भी है, क्योंकि यार टॉर्च है जिसे आपको हाथ से पकड़ना नहीं पड़ता है, और जेस्चर से ही आप यूज़ कर सकते हो, साइकिलिंग चला रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, बटन वटन ढूंढने दिक्कत नहीं, हेडलाइट की जैसे ही मूड हुआ कि लाइट की जरूरत नहीं है बंद कर दो, बैटरी बचाओ, तो मज़ेदार चीज़ है, साइकिलिंग के लिए लिया जा सकता है।
अब यही काहे बचे, इसको भी निपटा देते हैं। मतलब डिज़ाइन इन्फो से जो पार्सल आया उसके बाद लगाएंगे होराइजन, होराइजन की पन्नी निकालेंगे और उसको लगाएंगे हमें। भले ही 5 मिनट खेलें पर होराइजन का श्री गणेश करना है। ये बहुत खतरनाक पैकिंग किया है भाई, इसमें दोनों हाथ लग जाएंगे भाई। तो 1 मिनट, ये देखो कितनी बढ़िया, कितनी बढ़िया पैकिंग किया है इन लोगों ने। बड़ा तगड़ा पैकिंग, देखो फोम वगैरह सब लगा के बाकायदा उन्होंने भेजा है डिज़ाइन इन्फो वालों ने। अगर ये बढ़िया रहा ना, क्योंकि इसमें कैमरे वगैरह बहुत सस्ते रहते हैं डिज़ाइन इन्फो में, मैंने देखा है अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट वगैरह से। तो अगर ऐसा है तो यार लिया जा सकता है फिर आगे चल के अपने काम की चीज़ें डिज़ाइन इन्फो से ही। खैर पहले मैं बैटरी तो निकालूँ। देख रहे हो विनोद कितनी खतरनाक पैकिंग किया है इसने, तो सारे मतलब ब्रांड्स को जैसे अमेज़ॉन हो गए या फिर फ्लिपकार्ट या और भी होंगे फेल कर दिया। खतरनाक पैकिंग किया है इन लोगों ने, अभी इसको भी फाड़ते हैं। तो ये रहा आज का फाइनल प्रोडक्ट, SJ6 लेजेंड की बैटरी। तो SJKM के लिए एक एक्स्ट्रा बैटरी हमारे। तो आज की अनबॉक्सिंग तो हो गई भाई, अब हम जा रहे हैं पहले फ्रूट्स खाएंगे। अच्छा फ्रूट्स खा के आएंगे तब हम होराइजन फॉरबिडन बेस्ट लगाएंगे। तो लेकिन पहले फ्रूट्स खा लें क्योंकि टाइम हो रहा है, 5 बज रहे हैं। तो फ्रूट्स और मिल्क ख़त्म किया जाए। तो चलो अब होराइजन फॉरबिडन बेस्ट की भी अपन पन्नी निकालते हैं। एक हाथ से ना निकल पाएगी भाई, दोनों हाथ यूज़ करने पड़ेंगे। निकल गई इसकी पन्नी। दो डिस्क होनी चाहिए मेरे हिसाब से, हाँ नीचे वाली प्ले डिस्क है, ऊपर वाली डाटा डिस्क है। तो चलो इंस्टॉल करते हैं अब इसको अपने PlayStation 4 में। अभी हमें PlayStation 5 की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी PlayStation 4 का इकोसिस्टम ठीक है, गेम्स आ रहे हैं। और जब तक बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा PlayStation 5 लेने की मैं ज़रूरत नहीं समझता हूँ। आ जाओ डाटा डिस्क इंस्टॉल करते हैं इसमें। चलो बहुत दिन से था जिसका इंतजार, वो घड़ी आ गई। कहाँ गया वो? हाँ ठीक है, इंस्टॉल होगा अभी, होने दो। तब तक मैं जा रहा हूँ गोलगप्पे खा के आता हूँ, मीठे वाले दही पूड़ी, तब तक ये इंस्टॉल होगा। ये देखो मेरा रॉयल एनफील्ड वाला ट्राउज़र और उसमें मेरा ये जो नाइफ है ये बढ़िया आ रहा है। ये बेल्ट में भी लग जाता है पर इसमें इसमें पॉकेट में आ रहा है, इसीलिए मुझे 6 पॉकेट पसंद है। इसमें आप काफ़ी चीज़ें रख सकते हो। ये तो 7 पॉकेट है, इसके पॉकेट के अंदर भी पॉकेट है, देखो कितना बढ़िया लग रहा है। ये देखो बहुत अच्छे नाइफ भी इसमें आ रहा है। 6 पॉकेट बहुत काम की चीज़ है सच में, टूल्स वगैरह रखना हो या फिर आपको राइड वगैरह में ट्रैवलिंग करना बहुत काम की चीज़ है। और खासकर ये कन्वर्टेबल बढ़िया, जहाँ कहीं चाहो तो इसको शॉर्ट्स बना लो। आओ दोस्तों जाने से पहले ना, गोलगप्पे खाने से पहले अपन खुरचन का स्वाद लेंगे, क्यों मम्मी? काफ़ी टाइम बाद मैं इस तरह का पैंट पहन रहा हूँ, तो देख रहा हूँ क्योंकि मैं स्पेशली राइड के लिए ले रहा हूँ तो कैसा रहेगा। थोड़ा चेन ज़रूर घुटने में गड़ती है पर आदत हो जाएगी, तो ओवरऑल चलाने में कंफर्टेबल तो है। ये बहुत ज़रूरी होता है राइड के दौरान ना, छोटी छोटी चीज़ें, हैंडी चीज़ें बहुत काम आती हैं, और वो अगर आप पॉकेट में रख सको, खासकर इसमें। अब इसमें मुझे 3 पॉकेट तो घुटनों पे ही मिल गई, बाकी पॉकेट्स तो हैं ही। ये देखो है ना, अच्छा। अरे शर्ट नहीं यार, हम ये दिखा रहे हैं तुमको। तुम तुमने बोला तो
आज हमारे गेम भी आ गया, पैंट भी आ गया, हमारी लाइट भी आ गई है, वो साइकिलिंग के लिए। और हेलो करो, चलो हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। मेरा नाम शुभम पांडे है, मंगल पांडे जी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। किससे नहीं लेने देना है? मंगल पांडे जी से। अच्छा अच्छा एक भाई जी पूछ रहे हैं, ऐसा कौन सा पक्षी है जिसके सिर पर पैर होते हैं? सिर पर? ए ये सुना सुना है यार, ये वाला सुना है, सिर पर पैर हो। ये बताओ। हाँ ये सुना हुआ था, लेकिन देखो बताओ। जीव ले लो आज, तुम खून पी लो हमारा। ए स्ट्रॉ दो रे कोई इसको। फ्रिज में बंद करना है। मैं ऐसे दरवाजा खोलूंगा, हाथी को उसमें रखूंगा और ऐसे बंद कर दूंगा। बंद हो गया हाथी। मैं दरवाजा खोलेगा, हाथी निकालेगा और गधे को उसमें रखेगा, बंद कर देगा। चार स्टेप कंप्लीट। देखे ना, वो थोड़ा रिदम में नहीं थे, पहली दो पहेलियां इसलिए हम नहीं बता पाए। अरे कौन नहीं आया? कब नहीं, कब की, कब की कितने पार्टी, कब थी? मगान है कुछ पार्टी, कब थी पार्टी, जंगल में थी कहन, मगान है कुछ कब थी डेट मुझे याद नहीं। इसके इनका तो बगिया फूल निकलना चालू हो गया। बजा सात, कितना बजा? अभी 15 मिनट है। कौन नहीं आया? बंद। अब देखो यार आ गया, बताओ हो गया। चलो ए हारी बताओ। कुकुर। अरे भैया गधा नहीं आया, उसको तो हमने फ्रिज बंद कर दिया ना। ये भी ठीक है यार। अच्छा ये मैं, अरे ये आज के नहीं है, बहुत पहले का है यार। रॉयल एनफील्ड का कन्वर्टिबल ट्राउजर। चलिए देखिए, ये देखो, ये देखिए, ये देखिए, इसमें एक पॉकेट ये है, ये बढ़िया, अच्छी लग रही है और फिट है। आप क्या चाहिए? क्या काहे अधियार करे हो दोस्त? बैटरी नहीं तो फ्लैश बंद हो गया। चलो होगा, कोई बात नहीं, अपने आप बंद है। ये अच्छा जोको पोको बना हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर चलो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, गुड डे, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।